वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वर्धी किलोर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से आज के लिए। डू यू नो एनी ऑफ दीज पीपल? लाइक द फर्स्ट वन इज जर्मन एम्बेसडर जैन हेकर। ही वॉज अ जर्मन एम्बेसडर। एक यूक्रेनियन एम्बेसडर शेरी कैमिशेव, दिस गाय आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड फिलीपींस एम्बेसडर होजे सेंटियागो चीटो, दिस गाय। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? डू यू नो वट इज कॉमन अमंगस्ट देम? एनी आइडिया? बेसिक आइडिया नहीं। Let me introduce something for you. मैं आप इन तीनों के बारे में मैं आपको कुछ information बताता हूँ। Let's see whether you are able to figure out or not. I'm not expecting. Hopefully आपने इनकी news नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन जो German ambassador Jan Hacker है, इनकी अभी 54 साल की उम्र में death हो गई थी September में, जब ये basically Beijing में post किए गए थे उसके exactly 2 हफ्ते बाद। उसके बाद जो Ukrainian ambassador शेरी कैमिशेव हैं, इनकी 65 साल में उम्र हो गई थी फरवरी में, बेसिकली बीजिंग में एक विंटर ओलंपिक्स के वेन्यू को विजिट करने के बाद। एंड देन द फिलीपींस एम्बेसडर होजे सेंटियागो चीटो, जिनकी 74 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, एक क्वारंटीन में इन द ईस्टर्न चाइनीज प्रोविंस इन अप्रैल, क्वारंटीन में ही बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। आई बिलीव आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन यू माइट प्रोबेबली फिगर आउट सम काइंड ऑफ पैटर्न दैट इज एमर्जिंग। कि बेसिकली दो चीजें आप इसमें से गेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर एम्बेसडर्स, राइट? एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिकली डाइंग इन बीजिंग और चाइना, समवेयर इन चाइना, या तो बीजिंग में डेथ हो रही है, चाइना में डेथ हो रही है। वेल रिसेंटली इन ऑन 8th of August एक और ऐसा ही इवेंट हुआ। म्यांमार के जो एम्बेसडर है चाइना की तरफ, चाइना में जो गए हुए थे, यू म्यो थांटपे, इनकी भी डेथ हो गई। एंड दिस वॉज द 4th डेथ ऑफ एन एम्बेसडर सिंस 2021 इन चाइना। म्यांमार एम्बेसडर टू चाइना 4th एनवॉय टू डाई इन कंट्री सिंस 2021। हम जानते हैं कि एम्बेसडर यानी कि जैसे भारत के जो एम्बेसडर होते हैं वो दूसरे देशों में काम करते हैं, उसी तरीके से चाइना के साथ भी जिन भी कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हर कंट्री अपने डिप्लोमेट को दूसरे देश में भेजता है। अब यूजुअली जो डिप्लोमेट्स या जो एम्बेसडर्स होते हैं, दे डू नॉट परमानेंटली लिव इन दैट कंट्री। वो कुछ सालों के लिए काम करते हैं एंड देन दे यूजुअली कम बैक, एंड जो उनकी फाइनल रिटायरमेंट होती है वो अपने देश में ही, उसके जो फाइनल ईयर्स हैं अपने देश में ही बीते जाते हैं। So this frequency, high frequency of so many diplomats of different countries dying in particular country, which is China for now, actually creates a certain thing in the mind. मतलब कि सोचने पे मजबूर कर देता है कि is there something behind it? अब चाइना के ऊपर internationally पहले से ही बहुत सारी allegations लग रही हैं, right? अभी इनके ऊपर allegations थी कि ये unclassified technology को United States of America से चोरी कर रहे थे, वल्नरेबल कंट्रीज को लोन देते हैं और फिर उनको डेट बर्डन में फंसा देते हैं। द राइट द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस इज श्रीलंका, उसका साफ है। पाकिस्तान के साथ भी ऐसे किया जा रहा है, बांग्लादेश के साथ, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी चाइना ऐसा कर रहा है कि उनको बहुत ही सस्ते दामों पर बड़ा सारा सा लोन दिया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है, एंड वंस दे आर नॉट एबल टू पे वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट वायोलेशंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन राइट वायोलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दिस टाइम। इसके साथ साथ अब जो ये नया 4th August के अंदर जो ये 4th एम्बेसडर की डेथ हुई है विद इन लास्ट 2 ईयर्स, नाउ दैट हैज एक्चुअली रेज सेवरल रेड फ्लैग्स। ये जो फॉरेन एनवॉयज का किसी दूसरे देश में डेथ होना, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर हम देखें तो पिछले 22 सालों में कम से नहीं 13 फॉरेन एनवॉयज की डेथ हो चुकी है, जिसमें से खुद एक चाइना के खुद के भी डिप्लोमेट जिनका नाम डू वी ने, उनकी डेथ हुई थी। तो ये डू वी इसराइल के एम्बेसडर थे, लेकिन इन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया था एंड सरप्टिशियसली बड़ी सीक्रेटली स्टेल्थली इनकी भी डेथ हो गई। एंड नोबडी नो की किस वजह से हुई है। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से, बट द एग्जैक्ट कॉज इज ऑब्वियसली सीक्रेट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट यूजुअली ऐसा और कहीं किसी कंट्री में नहीं देखा गया है। मतलब कि किसी और कंट्री में अगर किसी डिप्लोमेट की डेथ हो जाती है, सो दैट इज अ वेरी बिग इशू फॉर दी बोथ दी कंट्रीज। एंड इन जनरल डिप्लोमेट की एज कुछ समय के लिए ही सर्व करना होता है, आफ्टर सर्विंग दे ऑब्वियसली गो बैक टू देयर कंट्री। तो जो रिटायरमेंट है उनकी कंट्री में होती है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट कि 4 एम्बेसडर 2 साल के अंदर अंदर चाइना के अंदर ही डेथ हुए हैं। अगेन लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लेरिफाई इट वेरी क्लियरली, नन ऑफ देम हैज एक्चुअली बीन प्रूवन कि इसमें चाइना का कोई हाथ है। अभी तक ऐसे किसी के ऊपर किसी दूसरे कंट्री ने एक्यूजेशंस भी नहीं लगाई हैं। वी कैन सी कि देयर इज अ जर्मन एम्बेसडर, देयर इज यूक्रेनियन एंड देयर इज फिलीपींस। द ऑल दोस 3 कंट्रीज हैव आल्सो नॉट स्पेसिफिकली मेड एनी एक्यूजेशंस अगेंस्ट द चाइना, ना ही उन्होंने ऐसी कुछ आशंका जताई है कि इसके अंदर कुछ गलत काम था। हाउएवर दिस फ्रीक्वेंसी इज स्टिल हेयर रेजिंग की इतनी ज्यादा है। आपने इसके साथ साथ देखो,
दूसरे एम्बेसडर्स को या फिर दूसरे बेसिकली डिप्लोमेट्स को मारना, मोटिवेटेड किलिंग्स जो होती हैं, ये ऑल ओवर हिस्ट्री होती रही है। रादर एक बार जैसे इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात बताऊं, कोकट संकरा पिल्लई हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी इन हाई कमीशन ऑफ इंडिया थे, जिनको बेसिकली कैनेडा में मर्डर कर दिया गया था बाय ए मेंटली अनस्टेबल यूगोस्लावियन इमिग्रेंट। लेकिन वो केस बहुत ही क्लियरली पॉसिबल था कि दिस वॉज जस्ट एन एक्सीडेंटल केस, देर वॉज सम पर्सन जो कि मेंटली अनस्टेबल था एंड ही अटैक द हाई कमीशन के जो सेक्रेटरी थे उनको अटैक कर दिया और बेसिकली उनका मर्डर कर दिया। वो बेसिकली मोटिवेटेड किलिंग्स के अंदर नहीं देखा जा सकता। भारत के ऐसे किसी भी डिप्लोमेट का अभी तक असैसिनेशन या नहीं किया गया है जिसमें ऐसा माना जा सके कि दूसरे देश का हाथ था। अब पिछले 100 सालों के अंदर सिंस द मोर देन 50 एम्बेसडर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कि पिछले अगर हम 100 सालों की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स इज अ नॉर्मल सिचुएशन, किसी भी आदमी की मृत्यु कहीं पर भी हो सकती है। बट ये जो पिछले 10-20 सालों में चाइना के अंदर इतने सारे फॉरेन एनवॉयज की डेथ हो रही है, ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन रेज करती है जो कि थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है। पिछले कुछ सालों पहले रशिया के ऊपर भी इस प्रकार के एलिगेशंस लगाई गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे कई जगह पर उनको कुछ कुछ बीमारियां होने लगी थी, हेडेक होने लगा था, नौजिया होने लगा था, जिसके पीछे आशंका जताई जा रही थी कि रशिया प्रोबेबली किसी प्रकार का हाइपरसोनिक वेपन यूज कर रहा है टू डिसओरियंट द पर्सन या फिर मेंटली उनको अफेक्ट करने के लिए। क्या ये चाइना भी इस समय इसी प्रकार के किसी सीक्रेट चीज के अंदर इन्वॉल्व है? अगेन जस्ट टू वेरी क्लेरिफाई, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, हाउएवर दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन विच इज बीइंग रेज्ड कि चाइना इज एक्चुअली बिकमिंग अ ग्रेवयार्ड ऑफ द फॉरेन एनवॉयज। इन जस्ट लास्ट टू इयर्स 4 फॉरेन एनवॉयज हैव एक्चुअली डाइड इन चाइना, विच ऑब्वियसली इज अ कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर ऑल अदर कंट्रीज। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जितनी भी चाइना के अंदर जो डेथ हो रही है, आर दे प्लान्ड, इनकी कोई सीक्रेट सर्विसेज कुछ ऐसा कर रही है किसी के अगेंस्ट की जो भी डिप्लोमेट है या कुछ और, विच इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन दैट इज नॉट समथिंग विच कैन बी डिनाइड, और आर दे जस्ट मियरली नेचुरल डेथ्स जिस मे बी द वर्ल्ड और द कंट्रीज बेसिकली कुछ इसमें ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू डू हैव एन आंसर टू दिस देन प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करके बताना, राइट, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर दिस। एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर जो कि आपको कहीं पे अगर एग्जाम में यूज करने के लिए यूज आएगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं इसके पीडीएफ और आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। व्हाट डू यू थिंक, शैल वी गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द चाइना, और एक्चुअली चाइना इज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग सच काइंड ऑफ अ सीक्रेट प्रोग्राम्स जिसमें वो पर्टिकुलर डिप्लोमेट्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं अगर उनको थोड़ा सा गलत लगता है? क्या जस्ट वन पॉइंट लास्ट पॉइंट कि जो हमारे शरी केमिशेव हैं जिनके एज 65 है, ही डाइड आफ्टर गोइंग टू द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स वेन्यू, डिड ही सी समथिंग जिसकी वजह से बेसिकली वो कुछ इंफॉर्मेशन बाहर देते और चाइना ने उन्हें रोकने की कोशिश की? फॉर नाउ कंट्री ने कोई एक्यूजेशन नहीं लगाई है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना के पास बेनिफिट ऑफ डाउट है। व्हाट डू यू थिंक? Do tell me on the Instagram. Till